अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ आपका होस्ट साद मोहम्मद इनाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल का रवाज यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस ख़त्म करने के बाद नौजवान नौकरियों की तलाश में और सिफारिशों के पीछे अपनी अपॉर्चुनिटी मौके ढूंढने के पीछे अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त ज़ायल कर देते हैं। पाकिस्तान एक मल्टी टैलेंटेड कंट्री है और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट पाया जाता है, लेकिन अफसोस कि ये टैलेंट किसी भी तरह से किसी भी रहनुमाई की और किसी भी गाइडेंस की वजह से ना होने की वजह से ज़ायल हो जाता है। किसी भी किस्म की गाइडेंस और अच्छे मौके की रहनुमाई ना होने की वजह से ज़ायल हो जाती है। नाज़रीन, आज हम टेक्सला मौजूद हैं जहाँ पर संग तराशी मार्बल, जिसको हम लोग पॉलिश कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट में आए हैं, जहाँ पर हुनरमंदों दस्तकारों के हम काम को देखेंगे और एक ऐसा हुनर पाकिस्तान के अंदर जो कि मौजूद है साल साल और काफ़ी बरसों से, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की लोकल मार्केट में भी अपने आप को पुश करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। आइए इन लोगों से कुछ पूछते हैं, इनके हुनर के बारे में जानते हैं और अपने आप को मज़ीद आगाही देते हैं इस हवाले से कि ये हुनर कितना ज़रूरी है। नाज़रीन, मेरे साथ आदिल वही साहब मौजूद हैं, ये कारीगर भी हैं, दस्तकार भी हैं, हुनरमंद हैं। आइए इनसे पता करते हैं ये कौन सा काम करते हैं और ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। जी बताइए। मुझे तकरीबन हो गए हैं 10 साल इस काम में। ये कब्र का काम करते हैं और भी पत्थर का काम जो भी होता है वो भी करते हैं सब कुछ। ठीक है, अपना किसी के पास काम होता है तो करते हैं। ठीक है, झाड़ लगाते हैं। ये एक दिन में भी हो जाती है, 2 दिन में भी हो जाती है। काम के हिसाब से जो है ना वो कब्र तैयार होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस हुनर के सिलसिले में कब से आए और कब से आपकी इसमें रुझान स्टार्ट हुआ? अब काम में मज़ा आता है या क्या? तकरीबन इसमें 9-10 साल हो गए जी। और हाथ में सफाई और परफेक्शन आ चुकी है, अब लगता है कि अब आप लोगों को शागिर्द भी बना के सिखा सकते हैं? कर भी लेते हैं, सिखा भी सकते हैं कोई आ गया तो। कि आप यहाँ पर क्या चीज़ खरीदने आए हैं और आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी? हम लंगरी खरीदने आए हैं। ये जो चीज़ है कुटने मुटने के लिए, चटनी वगैरह के लिए, रायते के लिए। आप इसका बिजनेस भी करते हैं या सिर्फ अपनी खरीदारी के लिए? ऐसे एक दाना चाहिए। क्या नाम है मेरे भाई का? उलमान उमूर। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दुकान लगाई हुई है, क्या बेचते हैं, कितने अरसे से बेच रहे हैं? ये भाई जान ये 7-8 साल से बेच रहे हैं। ये पत्थर है, पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, ये वाली हाथ की है, ये वाली मशीन की बनी हुई है। ये स्टेप बाय स्टेप तैयार होते हैं। ज़बरदस्त। कोई 9 इंची होता है, कोई 10 इंची होता है, कोई 12 इंची होता है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप साइज के साथ। ज़्यादातर ये वाली चीज़ें हैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं? घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मार्केट्स में इस्तेमाल होती हैं? ये घर के भी अंदर इस्तेमाल होती हैं, किचन में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये दुकानदार जो होते हैं वो भी लेकर जाते हैं। आप इस प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में बेचते हैं या एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, इधर ही बेचते हैं, पाकिस्तान में ही। आपको लगता है कि ये ऐसी मार्केट है जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली लोगों के पास हाथ में हुनर है, इतना काम आसान नहीं है। अब तो आपको पता है सारी चीज़ें मशीनों पर हो रही हैं, लेकिन हाथ का काम, हैंडमेड का बहुत ज़्यादा क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है बाहर की दुनिया में। आपको लगता है कि ये एक ऐसी मार्केट है कि पाकिस्तान से बाहर बेच कर भी पाकिस्तान का बड़ा सरमाया कमाया जा सकता है? बिल्कुल है ना, ऐसे ये जो है ना कराची वाले वो लेकर जाते हैं, वो बाहर करते हैं, बेचते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। जाज साहब, आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? और 35 साल से कर रहा हूँ। नाइस। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका काम क्या है, इसकी नस्बत क्या है, आपने कौन सा हुनर कमाया? और ऑब्वियसली 35 साल से आप ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, आपके हाथ में एक आर्ट है, एक हुनर है। बाहर की दुनिया में हैंडमेड चीज़ों की बड़ी रिक्वायरमेंट है, लोग बड़ी मंगवाते हैं कि बाहर की चीज़ें हाथ से बनी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फीजिबिलिटी बन सकती है कि आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान से बनकर बाहर जा सकती है? हाँ जी, बाहर भी जा सकती है, जाती है वैसे, हमारा कंटेंट बाहर जाते हैं बहुत। आप बताएं आप करते क्या हैं और इसमें क्या से क्या लागत आती है और कितना काम इसमें लगता है, कितने दिनों का काम होता है, बनाते क्या हैं, पहले तो ये बताएं। हम फाउंटेन बनाते हैं,
फुहारे फुहारे मैंने ये काम कराची से सीखा था और उधर ज़्यादा फूलदान वगैरह और हार आइटम बनाते थे। इधर आके पहले लंगरियाँ बनाते थे, अब ये बड़ा काम करते हैं। इसमें कोई भी आइटम आ जाए हम वो बनाते हैं, ऑर्डर आ जाए हाँ मशीनों पे। मैं तो समझता हूँ कि हाथ से बनाने वाली चीज़ एक आर्ट है। तो आजकल का रुझान जिस तरह लोग इस बांबे की तरफ कम आ रहे हैं, हुनर की तरफ कम आ रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस काम में कितनी गुंजाइश है कि अगर पाकिस्तान से ये चीज़ें बनकर बाहर जाएं तो पाकिस्तान की सरमाए के लिए कितनी कितनी ये चीज़ साबित हो सकती है अच्छे तरीके से? तो इस काम में ना मार्बल के काम में मेहनत बहुत है, उस साल से ना आदमी को उजरत नहीं मिलती। तो अगर बाहर माल जाए तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे लिए इधर ये मिट्टी है 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक है, उधर लाखों के हिसाब से जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है आप और उतनी उजरत नहीं मिलती। तो हम अगर इसको पाकिस्तान से बाहर भेजना स्टार्ट कर दें तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच इजाज़ साहब। थैंक यू। नाज़रीन जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हाथ से बने हुए घोड़े मुजस्मे लोग ई कॉमर्स पे बाहर मुल्क में बेचते हैं, ख्वाह अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, इन चीज़ों की बड़ी रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये हाथ से बने हुए हैं। यहाँ पर जितना भी काम किया जाता है टोटली हाथ से किया जाता है, ये पाकिस्तान के हुनरमंद दस्तकारों का काम है। अब ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स पे अपना बिज़नेस बेचने के लिए बाहर ममालिक से अपनी चीज़ें मंगवाते हैं, बाहर की मार्केट को अप्रोच करने के लिए वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जहाँ पर ये हाथ से बनी हुई चीज़ें पाकिस्तान में आम मिलती हैं। नाज़रीन जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये खूबसूरत मुजस्मे और ये खूबसूरत हाथ का काम, ये पाकिस्तान की मिरास, ये पाकिस्तान का टैलेंट, ये पाकिस्तान का हुनर है। और अगर इसको सही डायरेक्शन में पुश किया जाए और अगर आलमी मार्केट में पाकिस्तान की इस खूबसूरती, इस हुनर को पुश किया जाए तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बेहतरीन है और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी। नाज़रीन अभी हम लोगों ने बाहर इनका काम देखा, बड़ा खूबसूरत मुजस्मे बनाए हुए थे। अभी हम इनके पास आए, कारखाने में काम कर रहे थे, आए इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पता करते हैं कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इनके काम पे हुनर कितना टाइम लगता है और किस किस को ये बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप अपना नाम बताएं पहले। मोहम्मद शफीक। शफीक साहब बड़ा खूबसूरत काम लगा हुआ है बाहर आपका, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में हुनर और दस्तकारी का रुझान कम से कम होता जा रहा है जबकि बाहर आलमी मार्केट में इन चीज़ों की बड़ी डिमांड है, तो क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये सारा सामान पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा, या आपको लगता है कि पाकिस्तान में शायद इस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है? पाकिस्तान में जो लोग ई कॉमर्स करते हैं, मुजस्मे बनाकर बाहर बेचते हैं या बाहर से मंगवा कर फिर बाहर बेचते हैं, तो क्या पाकिस्तान की लोकल मार्केट से ये हर्ट नहीं हो रहा? ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है क्योंकि अभी कोई फॉरनर इधर विजिटर आ जाए जो खंडरात वगैरह की शायद अगर वो ये चीज़ देख ले हमारी वो दीवाना हो जाता है, वो प्राइस के अलावा हमें 1,500-2,000 इनाम दे जाता है कि आपके ये काम की कितनी वैल्यू है, तो लेकिन मुकामी तौर पे हमें इसका कोई फायदा नहीं। इसके लिए ऑब्वियसली जिस तरह गवर्नमेंट और हुकूमत कोई ना कोई इकदाम लेती है, इससे आप लोगों ने कभी कोई फ़ायदा उठाया? कोई फ़ायदा नहीं है। इधर स्मॉल इंडस्ट्री शुरू की है इधर गंदारा आर्ट वालों ने, चंद आदमी गए हैं वहाँ क्योंकि वो मार्केट के साथ अटैच नहीं है, हट गए हैं मार्केट से। अभी हम मैं सारा सेटअप वहाँ ले जाऊँ, मुझे ना कोई ऑर्डर मिलता है ना कोई और काम, दिहाड़ी भी नहीं बनती है, फिर मार्केट में ये रहा है कि थोड़ा बहुत चलो जो गुजारा होता है हमारा काम, तो बाकी इनकी तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? और स्कूल लाइफ से कर रहा हूँ, 86-87 से 35 ईयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
और आपके नज़र में ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे नौजवान आए जिनको आपने ऐसे शागिर्द ट्रेन किया, जिनको हुनर सीखने का शौक़ भी था, क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को भूखा नहीं मार सकती। कहते हैं ना, डिग्रियों का कोई काम नहीं है, सब काम हुनर का है। ठीक है, आलमी मार्केट में भी हो, ख्वाह वो पाकिस्तान में हो, जिसके पास हुनर है वो शख्स सर्वाइव करता है। तो ये हुनर कैसी मार्केट है अगर इसका रुझान आलमी मार्केट की तरफ रुझान किया जाए तो? बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि मेरे ज़ाती तौर पर मेरे 8-10 शागिर्द हैं जो अभी ये काम कर रहे हैं खराद मशीन पे मार्केट में, वो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। तो बाकी इस तरह अगर और भी हमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिले तो हम इसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस मशीन पे आप खड़े हैं, ये मशीन क्या काम करती है और आप कर क्या रहते हैं? बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बड़े इनमाक के साथ काम कर रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। हम दस्ता बोलते हैं जो अपना मिर्च मसाला वगैरह कूटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका बाउल होता है जो मार्बल का, उसके साथ ही होता है, ये पूरा सेट होता है जी। ये मसाले वगैरह कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नज़रिए से ये चेस पीस भी नज़र आता है। अगर इसको चेस का एक पीस बना दिया जाए डेकोरेटिव टेबल पे रखने के लिए, इसके सर पे आप घोड़ा भी बना दें तो एक चेस की तरह। ज़बरदस्त, आपके इस हुनर का मुल्क की तरह से थैंक यू, और उम्मीद है नाज़रीन को भी आपकी इस काम से आपको बड़ा फ़ख्र महसूस करते होंगे नाज़रीन भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका पाकिस्तान की सर्विस। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक दस्तकार हुनरमंद के साथ। आप बताएं इसका बनाने क्या वाले हैं? इसका टेबल बनाना है। अच्छा, ये टेबल इससे बन जाता है? इतने वजनी पत्थर से करते क्या हैं इसकी सब मशीन करते क्या? बड़े भी बनते हैं। बड़े बनते हैं और किधर बेचते हैं, किधर जाता है ये सामान, इसकी डिमांड किधर है? इधर ही जहाँ पे बिक जाती है, बड़े लोग आते हैं ले जाते हैं। ये पत्थर मैं मार्बल फैक्ट्री से लेकर आया हूँ जी। जब मार्बल फैक्ट्री है वहाँ पे उसमें पत्थर काटते हैं, तो ये जो है हमारे काम का था, हमने ले आए हैं। इसका टेबल बनाएंगे, अंदर देखें वो फुहारे बन रहे हैं, फुहारे भी बनते हैं टेबल भी। तो ये लंगड़ियाँ भी जो है इसी पत्थर की बनती हैं। तो ये जो तमाम काम है ये पत्थर का जहाँ पर हो रहा है, ये मार्केट है पत्थर की। अच्छा, ये पत्थर की मार्केट से काम किस तरीके से आप लेते हैं, मशीन में डालते हैं, किस तरह काम करते हैं? देखें, वो मशीनें लगी हुई हैं हमारे साथ, तकरीबन 45 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ये मार्बल फैक्ट्री है, इनसे पत्थर लाते हैं तो जहाँ पे फिर बनाते हैं तो रोज़ी कमाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, एक टेबल इतने साइज़ के पत्थर की कितनी देर में बन जाती है और कितनी देर में बिक जाती है? बिकने की जो बात है, ये एक महीने बाद भी, एक साल बाद भी, 6 महीने बाद भी ऐसे ये बिकते हैं। तो बनाने में जो है ये काफ़ी मेहनत है इसके ऊपर, तकरीबन 2 दिन भी लग जाते हैं, 1 दिन भी लग जाता है। इस वैसे जैसे काम हो वैसा उसकी मेहनत। घंटों के हिसाब से कितने घंटे लग जाते हैं इस साइज़ के पत्थर को टेबल बनाने में? इस साइज़ में पत्थर बनाने में घंटों के हिसाब से तकरीबन 7-8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अयूब जी। सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस शॉप में खड़े हुए हैं वहाँ से पत्थर से तराशी हुई घड़ियाँ, गुलदस्ते और दीगर अशिया मौजूद हैं, जहाँ पर इन भाई का काम भी है। और ये हमें मज़ीद डिटेल्स बताएंगे कि ये क्या क्या बनाते हैं और इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो बाहर भी बेची जा सकती हैं। जी सर, इधर बचपन से पत्थर का काम हो रहा है, ये फुलदान वगैरह, उसके बाद लंगरी चट्टू हो गया, जो भी चीज़ें हैं पत्थर की, नेक्स्ट की घड़ी हो गई, कश्ती घड़ी हो गई, जो भी चीज़ें हैं वो मुकम्मल इधर से तैयार हो रही हैं। फुहारा के जो भी चीज़ें हैं पत्थर में इधर ही तैयार हो रही हैं। आप ये पत्थर मंगवाते कहाँ से हैं? और ऑब्वियसली हर जगह से डिफरेंट सोर्सिंग होती है। एक पत्थर आपने कराची से मंगवाया है, एक पत्थर आपने किधर से मंगवाया है, लेकिन एक एक आइटम की स्पेसिफिकली बताएं कि ये पत्थर कौन सा है, कौन सा पत्थर आप सोर्स करते हैं, किधर से मंगवाते हैं, ये सारी बात आपने बतानी है। ठीक है, ठीक है सर। ये पत्थर आ रहा है मनसेरा से और पेशावर से आ रहा है, जो हमारा टेक्सास स्टोन का पत्थर है ये आ रहा है पहाड़ से, तो इसमें लंगड़ी बनती है। ये कब्रों का पत्थर है, ग्रेनाइट मार्बल जो सनीग्रे आम ज़ियारत वाइट है। ये सारा पत्थर जो आ रहा है ये पेशावर शबकदर से आ रहा है, ये पत्थर हम खुद इधर
इसके ऊपर काम करते हैं। संतराशों का शहर है टेक्सला। जो भी चीज़ें हम खुद तैयार कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये बाहर जा सकती है, लेकिन ये जो बड़ी चीज़ें हैं ये बाहर नहीं जा सकती। इसका वज़न ज़्यादा होता है, मतलब कि लंगड़ी चट्टू हो गया, ये सौंफ लाची वाली जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ये चीज़ें बाहर जा सकती है। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में भी मज़दूर और हुनरमंद अपनी जफाकशी दस्तकारी को अमल में लाते हुए मेहनत कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा, लोग पाकिस्तान में लोकल मार्केट में चीज़ें बेचने के लिए कितनी मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। आजकल के नौजवान इस हुनर और इस रुझान की तरफ से हटते जा रहे हैं। हमें इस चीज़ से थोड़ा सा लेसन लेना चाहिए और हम लोगों को अपनी लोकल मार्केट को मज़ीद आगे लेकर जाने के लिए इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मैंने तो आज के इस इवेंट से बहुत कुछ सीखा, होपफुली आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अपने होस्ट साद मोहम्मद इनाम को इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।